So hello everyone and welcome to the YouTube channel of Sammyak Civil Services. My name is Dr. Varun Sharma and I am back with the chapter 3rd of Rajasthan Adhyayan class 900 book. इसके अंदर हम लोग राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था वो डील कर रहा था एज राजस्थान एज अ होल हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है राजस्थान की जगहों के बारे में, राजवंश के बारे में, और जो उसके अलावा यहाँ पर आपके जो जानकारियां दी हुई थी उस फर्स्ट चैप्टर में अबाउट दी रूलिंग डायनेस्टीज, एरियाज के पुराने नाम नए नाम, उनके बारे में इससे पहले हमने डील किया था. आज का जो अच्छा सेकंड चैप्टर के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी का ओवरव्यू दिया हुआ है वो शिखा मैम ने मॉर्निंग क्लास में जो सुबह 8 से 9 होती है उसमें ले ही लिया था. चैप्टर 3rd जो है वो आज मैं शुरू कर रहा हूँ. इसके अलावा जो चैप्टर 4th जो राजस्थान के इकोनॉमिक एस्पेक्ट से डील करता है वो अशोक सर ने ले ही लिया होगा. आई एम श्योर शायद खत्म हो चुका होगा, खत्म होने वाला होगा. तो जो 3rd चैप्टर है जो मेरे हिस्से का चैप्टर है जिसमें राजस्थान का जो हिस्टोरिकल आर्ट आपके कल्चरल पार्ट जो बताया जा रहा है आज मैं उसको शुरू कर रहा हूँ. यही भी चैप्टर वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन आई वुड रादर वॉन्ट कि हम थोड़ा थोड़ा छोटे सेक्शंस के अंदर उस पार्ट को पूरा कवर कर लें ताकि अगर कहीं हम ब्रेक भी डालें तो वो अगले पार्ट से कनेक्ट होने में आसान रहे. मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं एक पार्ट लंबी क्लास लेकर जाऊं और उसमें आधा से ज़्यादा पार्ट पढ़ा जाऊं और उसके बाद छोटी अगली क्लास 15 मिनट की और ख़त्म हो जाए. तो आई एम ट्राइंग टू बाइफरकेट दी लेसन्स इन अ वे कि हम लोग लिमिटेड टाइम में और उसको अच्छी तरह से पढ़ पाएं. थोड़ा सा आपको रिकैप्चर करने में भी आसानी रहेगी. तो आज की क्लास में हम वो फर्स्ट जो पार्ट है उस चैप्टर का जिसके अंदर आपके जो हिस्टोरिकल कुछ जगहों वगैरह के बारे में बताया हुआ तो उसको डिस्कस करेंगे. सॉरी संतों के बारे में बताया वो डिस्कस करेंगे. फिर कल की क्लास में हम लोग अच्छा कल क्लास नहीं होगी परसों क्लास होगी 15th को जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग जो आर्किटेक्चर है जो मंदिर स्थापत्य है उसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो आपकी उसके बाद जो क्लास होगी उसके अंदर हम जो राजस्थान के मेले त्यौहार और इस तरह के पार्ट है वो वहाँ कंप्लीट कर लेंगे. तो कुल मिलाकर 3 क्लासेस के अंदर आपका चैप्टर 3rd भी पूरा हो जाएगा. चैप्टर 1 में थोड़ी ज़्यादा क्लास लगी थी क्योंकि वो बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत सारा डिटेलिंग उसमें दिया हुआ है. तो चैप्टर 3 में सिर्फ 3 क्लास के अंदर चैप्टर पूरा हो जाएगा. तो हम उसी को शुरू करते हैं. 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 3 क्लास 1 शुरू कर रहे हैं. तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आपको अगर साथ में कोई इन्फॉर्मेशन मुझे ऐड करनी है तो प्लीज़ मुझे बताते रहिए. मैं यूजुअली बचता हूँ अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने में क्योंकि ये कोर्स बुक है, स्टैंडर्ड कोर्स बुक्स हैं और इसमें मैं अपना ज्ञान ज़्यादा बीच में लगा दूँ तो कई बार क्या होता है जो लोग सिर्फ बुक की नॉलेज पढ़ना चाहते हैं उनको लगेगा कि थोड़ा ओवरबोर्ड चला जाता है. फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहीं पर मैं थोड़ी सी उसके बारे में बैक इन्फॉर्मेशन दूँ. अदरवाइज जितना हम बुक के बारे में पढ़ रहे हैं उतना ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ. ठीक है चलिए तो ये थोड़ा देखिएगा. अच्छा मैं टेक्निकल टीम को बोल देता हूँ कि भाई वो थोड़ा सा चैट बॉक्स है वो चालू रहे तो कि इनके सवाल जवाब जो आते रहते हैं वो साथ साथ मेरे को दिखते भी रहें. इसलिए चलिए तो शुरू करते हैं हम आपका जो ये चैप्टर है. एक सेकेंड, राजस्थान अध्ययन क्लास 9 चैप्टर 3. तो इस पे बात कर रहे हैं आपके आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान से. अच्छा पेज नंबर मैंने साथ में लिखे हुए हैं तो 37 और आपके 38 पेज के आसपास आज हम पढ़ लेंगे, 39 तक पढ़ लेंगे इनफैक्ट. तो उन तीनों के अंदर जो यहाँ पर हमें बताया हुआ है वहां पर हम देखेंगे. तो 37 पेज पर बता रखा है राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में. शुरू के जो 2-1 पैराग्राफ्स है उनके अंदर आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कल्चर क्या होता है, आर्ट क्या होती है, इसके बारे में बेसिक जानकारी बता रखी है. देखिए वैसे तो नेचर ने राजस्थान को बहुत सारे रंग दिए नहीं है. भाई 60% ऑफ द एरिया इज अ डेजर्ट तो वो एकदम आपके भूरा सा रंग बिरंगा नहीं है. प्रकृति थोड़ी सी नाराज रही उस वक्त हमसे, जो भी रीजन रहे. माइथोलॉजिकली देखे तो वो कुछ और बातें बताते हैं, वैसे हम ज्योग्राफिकली देखे तो वो कुछ और बातें बताते हैं. तो कुल मिलाकर राजस्थान को बहुत सारे रंग नहीं मिले लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो है राजस्थान के वो बड़े लाइवली हैं, बहुत ज़्यादा उनको पता है कि भाई अगर प्रकृति हमसे थोड़ी रूठी हुई है तो कोई बात नहीं, हम जितनी कोशिश हो सकते उसकी वजह से अपने देवी देवताओं को प्रकृति को मनाने की कोशिश करेंगे. तो हम लोगों ने हमारे तीज त्यौहार मेले कपड़े रहन सहन खान पान और उससे थोड़ा रंग भरने की कोशिश करी है. तो उसके अंदर हमारा जो आर्ट एंड कल्चर बहुत बड़ा और बहुत रिच है. इनफैक्ट अगर मैं कभी इंडिया के मैप के अंदर आपसे डिस्कस करूँ स्टेट वाइज तो मुझे लगता है कि राजस्थान एकदम टॉप 2 या 3 स्टेट्स के अंदर ही आएगा जहाँ पर कहाँ के लोग कल्चरली इतने वाइब्रेंट हैं. सब पंजाब जम्मू ये सब बहुत बाद में आ जाते हैं, यूपी भी सब बहुत बाद में आते हैं. जितना रिच कल्चर हर तरह से, न सिर्फ खान पान, न सिर्फ त्यौहार, न सिर्फ मेले, न सिर्फ आपके आर्किटेक्चर, ना मंदिर ना भक्ति, उन सब के अंदर ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक राजस्थान टॉप 2 में भी नहीं टॉप 1 में ही आएगा. मैं इसलिए भी नहीं कह रहा कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ या मैं थोड़ा बहुत, तो देखो बायस हर इंसान होता है, हर व्यक्ति हर तरह हर समय आपके न्यूट्रल होकर जवाब नहीं दे सकता. तो कहीं ना कहीं वो मेरी बायसनेस वहां पर आएगी भी. लेकिन अगर
तथ्यों के तौर पर भी हम बात करें जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे समझेंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम ये पाएंगे कि राजस्थान का जो कल्चर है, जो राजस्थान के रस्म रिवाज, रीति रिवाज, जो यहाँ के लोगों की बिलीव्स है, कस्टम्स है, वो सब एक सब राजस्थान को टॉप नॉच एक कल्चरल डेस्टिनेशन के तौर पर बनाते हैं। यही रीजन है कि राजस्थान के अंदर बहुत सारी वेडिंग्स, बहुत सारे रिचुअल्स, वो सब होते हैं। और कुछ पिछले कुछ दिनों पहले 26 जनवरी के 25 जनवरी को मोदी जी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उनको लेकर आए थे। बाकायदा उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि पिछले दिनों में जयपुर की गलियों में लेकर घूम रहा था फ्रांस के प्रेसिडेंट को, जहां उन्होंने आपके यूपीआई से पेमेंट वगैरह भी किया था। तो कहीं ना कहीं आज अब जो जयपुर है या जो राजस्थान है वो अपनी जो जो तयशुदा पोजीशन है वो ग्लोबल मैप पर ले रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इस तरह के लोगों के आने की वजह से लोग जानते हैं, बट एज अ होल राजस्थान को टूरिज्म कल्चरली बहुत लोग प्रेफर भी करते हैं डेस्टिनेशन के तौर पर। वेडिंग्स वगैरह तो एक पार्ट है सिर्फ उस चीज का। चलिए, सो कमिंग बैक टू बुक में क्या दे रखा है, तो बुक में यहाँ पर डील कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लिटरेचर से डील करेंगे जो लिटरेचर बता रखी है इसमें। इसके बाद हम म्यूजिक से डील करेंगे कितने हैं, आर्किटेक्चर जो यहाँ के मंदिर और आपके जो महल वगैरह हैं, जो यहाँ के मेले, तीज त्योहार और जो कपड़े रहे हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सारी जानकारी बुक में अलग अलग सेक्शंस में हमको दे रखी है, तो हम लोग शुरुआत वहां से करेंगे, इस तरह के सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर जब हम 37 नंबर पेज के नीचे की तरफ आते हैं, वहां पर एक टर्म लिखी हुई है सांझी संस्कृति, उसको एग्जिट एज इट इज मैंने यहां पर लिख दिया है। कुल मिलाकर इंग्लिश में उसको बोलेंगे हम कॉम्पोजिट कल्चर, ठीक है, कुल मिलाकर इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे कॉम्पोजिट कल्चर। तो जो कॉम्पोजिट कल्चर है ये आपके राजस्थान में हमको क्यों देखने को मिलता है, सांझी संस्कृति क्यों कहा गया था, क्या इसके पीछे एस्पेक्ट है। तो देखिए 1192 के बाद से ही, जब से आपके इन्वेडर्स के अटैक्स वगैरह शुरू हुए थे, बहुत लोगों ने यहां पर कन्वर्जेंस किए। आप ये कह लीजिए कि इस्लाम वगैरह जो ऐसे धर्म है, जो नए धर्म थे रिलेटिवली, वो तेजी से यहां पर फैले। उसकी वजह से शुरुआत में राजस्थान में बहुत सारा कम्युनल डिस्कॉर्ड भी रहा, कई बार आज भी देखने को मिलता है, कई बार वो जो आपके परेशानी है वो अभी तक दूर हुई नहीं है। तो कम्युनल डिस्कॉर्ड आज भी बहुत ज्यादा क्लोजली इनफैक्ट बहुत वेगली भी देखा जाए तो विजिबल हो जाता है, वो सिस्टम में हमारे कई जगह पर मौजूद है और बहुत मुश्किल से उसको सेट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर अगर हम लोगों कल्चरली उनके उनके पार्ट को भी एक्सेप्ट कर ले, हम लोग जो भी हैं, हम एक दूसरे के कल्चर्स को, रिलीजन्स को, उनके अच्छी बातों को अगर एसिमिलेट करें, एक्सेप्ट करें, तो वही आपके सांझी संस्कृति कहलाती है, सांझा कल्चर कहलाता है। देखिए जैसे रिलीजियस टॉलरेंस राजस्थान में बहुत देखने को मिलेगी आपको, जैसे हमारे जो लोक देवी देवता है, खासतौर से जो लोक देवता है जिनको हम एक तो खासतौर से पंच पीर बोलते हैं, जैसे हम लोग पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा, आपके रामदेव जी, गोगा जी, इन सबको हम पंचपीर मानते हैं। इनको सिर्फ हिंदू धर्म के लोग या हिंदू समुदाय के लोग नहीं मानते, मुस्लिम भी मानते हैं। तो रिलीजियस टॉलरेंस का एक बहुत अद्भुत नमूना आपको पंचपीरों में और लोक देवताओं में देखने को मिलता है, जिनको हिंदू और मुस्लिम अलाइक पूजन करते हैं, मानते हैं। इनफैक्ट रामदेव और रोणेचा की पीठ तो हिंदू मुस्लिम जो मेला लगता है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, पिछली बार जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था वहां मैंने बताया था कि जो रामदेवरा का जो मेला है आपके रामदेव जी महाराज का, वो तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक पर्याय बन चुका है। हर साल भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर और एकादशी तक वो मेला लगता है, 9 दिन का मेला होता है, तो वो एकदम आपके पर्याय बन चुका है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। तो अपने आप में वो कॉम्पोजिट कल्चर आपको इस वजह से भी देखने को मिलता है। प्लस अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ख्वाजा साहब की, उस दरगाह पर भी बहुत सारे लोग रेगुलरली आते हैं, हिंदू मुस्लिम अलाइक वहां पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, सारा पूरा वो देख कर करते हैं। तो रिलीजियस टॉलरेंस हिंदू मुस्लिम दोनों में आपको यहां पर इस सांझी संस्कृति का एक पार्ट बन चुका है, जहां पर हिंदू लोग देवी देवताओं को मुस्लिम समुदाय भी मानता है, मुस्लिम जो पीर वगैरह है उनको हिंदू समुदाय भी मानते हैं। हमारे जो लोग देवी देवता हुए हिंदू धर्म में, वही मुस्लिम धर्म के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर पीर बन गए, तो अलाइक वहां पर आपको फॉलोइंग मिलेगी उसकी। इसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है फूड एंड क्लोथिंग एंड गेम्स, तो कई सारे खान पान की ऐसी चीजें हैं जो आपके कॉम्पोजिट कल्चर को बढ़ावा देती है, और खाने से बेहतर कोई चीज ऐसी है भी नहीं जो इस कल्चर को और ज्यादा आगे बढ़ावा दे, लोगों के अंदर, लोगों के मन में जुड़ने के लिए। और इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से जो चटोरापन है लोगों का, जो खान पान की जो लोगों की नियत होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर उस लाइक माइंडेड लोगों को मिलने के और बैठने के लिए। आपने देखा होगा कि चाय वाय की दुकान पर, टपरियों पर कई घंटों तक लोग बैठे रहते हैं, आपस में अपनी बातें डिस्कस करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बताता है, वो दिखाता है कि एक अच्छा खाने पीने की जगह हो तो वहां पर फिर लोग आराम से घुलते मिलते भी हैं। फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे अकबरी जलेबी, बुक में नाम दिए हुए इसलिए बता रहा हूँ, अकबरी जलेबी और इस तरह कई व्यंजनों के नाम दिए हुए हैं जो सब बराबर से खाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कपड़ों के अंदर देखा जाए तो आपके कई सारे कपड़े हैं, जैसे आपके आजकल अचकन हो गया
और आपके चूड़ीदार पजामे वगैरह हो गए, तो ये सब आपके अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरह से पहनते हैं, सबके साथ कॉमन है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। गेम्स भी देख लो आप, चाहे चौसर देख लो, चाहे शतरंज देख लो, चेस देख लो, ये सब चीजें जो है वो आपके कॉम्पोजिट कल्चर में देखने को मिलती है। तो खान पान, रहन सहन, गेम्स, देवी देवताओं का पूजन वगैरह, ये सब आपके कॉम्पोजिट कल्चर का पार्ट है, सांझी संस्कृति का पार्ट है। आर्किटेक्चर देखा जाए तो मुगल्स के साथ, जब एडवेंट ऑफ मुगल्स होता है इंडिया के अंदर, उसके साथ आपको मार्बल का बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलता है। इससे पहले आपके हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में मार्बल कंपैरेटिवली कम यूज हुआ करते थे, लेकिन वाइट मार्बल का जो यूज है वो बहुत ज्यादा तेजी से देखने को मिलता है, जैसे ही मुगल्स के साथ जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसका डेवलपमेंट होता है। ये बड़ा यूनिक फीचर रहा आपके इंडो इस्लामिक डेवलपमेंट का। फिर उसके अलावा फाउंटेन्स देखने को मिलते हैं, तो जो आपके मुगल गार्डन्स हैं, या आपके जयपुर के आमेर पैलेस है, या आपके और अलग अलग जो जग जग में मंदिर पैलेसेज हैं, कर्ण विलास होटल्स वगैरह जो बने हुए हैं अभी, जो उस टाइम पे बने हुए थे, तो वहां पर आपको फाउंटेन एज अ सेंट्रल पीस ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा वहां पर। ये सब मुगल इन्फ्लुएंस के बाद, या आप कह रहे हो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के साथ साथ उसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो राजस्थान में डेवलप हुए थे सांझी संस्कृति या कॉम्पोजिट कल्चर के तहत। ठीक है, इसके साथ ही आपके गार्डन्स, जैसे आपने देखे होंगे बारादरी, अगर आपने आमेर की केसर क्यारी वाला बाग देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि गार्डन्स किस तरह से आपके एक रेलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं मुगल दौर के आर्किटेक्चर का राजस्थान में, नॉट ओनली इन इंडिया, हम प्रोडोमिनेंटली राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो वो देखिए, फिर आप अजमेर, आपके अजमेर में दौलत बाग उद्यान, या जिसको आप सुभाष उद्यान बोलते हैं, वो देखिए, जहांगीर ने दौलत बाग के नाम से बनाया था, और उसके पास ही शाहजहां ने बारादरी बनाई है, तो उन आर्किटेक्चर को देख लीजिए, फाउंटेन्स हैं, गार्डन्स हैं, यूज ऑफ मार्बल है, ये सारा का सारा जो आपके सामान है ये सब देखने को मिलता है आपके इस सांझी संस्कृति के अंदर। तो कभी कभी आपके कोई आपसे सवाल पूछ लिया, सपोज करिए मेन में सवाल पूछ लिया कि राजस्थान का कल्चर है वो सांझी संस्कृति है, दी कल्चर ऑफ राजस्थान इज अ कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक कॉमेंट, इस तरह का एक सवाल आ गया, तो वहां पर आप इन पॉइंट्स को डाल सकते हैं। हालांकि मैंने यहां पर सिर्फ कीवर्ड्स लिए हैं, पर ये सवाल भी मुश्किल से आपके 5 नंबर में 50 वर्ड्स के अंदर आने का चांस रखेगा, अगर थोड़े बहुत एग्जांपल्स के साथ आप इनको इलैबोरेट कर देंगे तो आपका वो पार्ट वहां कवर हो जाएगा, विच इज वाई हम लोग शॉर्ट में, हालांकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बुक में, मैं बहुत ज्यादा माहौल बनाने में नहीं लग रहा हूं, मैं सिर्फ जो रेलेवेंट पार्ट है उनको ही डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि माहौल बनाने में क्लासेस अननेसेसरी लंबी हो जाती है, तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि हम लोग वी कीप दी क्लासेस क्रिस्प एंड शॉर्ट, जिसमें हमारा एजुकेशन का स्तर बढ़े, हमारे इंफॉर्मेशन का स्तर बढ़े, और हम आंसर्स मेंस के अंदर भी बेहतर लिख पाए, नॉट ओनली फॉर आरएएस, और बाकी जो भी आपके जो प्रिलिमिनरी नेचर के एग्जाम है उनके भी सवाल रिजॉल्व हो जाए, और ये सारे सवालों के आंसर्स आपको इन एग्जाम की क्लासेस में मिल जाएंगे। आरबीएससी में बार बार बोलता हूँ, पहले ही बोला है कि आरबीएससी बोर्ड की जो राजस्थान अध्ययन वाली बुक्स हैं 9 to 12th, वो रामबाण किताबें हैं भाई, एलिक्सिर्स हैं वो, उसके बिना आप एग्जाम में आपके लिए कोर स्टडीज जो है वो कभी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज एक बार चेकलिस्ट के तौर पर इनको खत्म करिए, और आपको अपनी तैयारी में थोड़ी और धार दीजिए, थोड़ा और बेहतर बनाइए उसको। चलिए, इसके बाद हम लोग जो पार्ट पढ़ने वाले हैं मिडिवल लिटरेचर, यानी कि मध्यकालीन राजस्थान में लिटरेचर का क्या रोल रहा, या किस तरह डेवलप हुई थी मध्यकालीन लिटरेचर के अंदर। देखिए, जब हम क्लासेस लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस जो हमारे इंस्टीट्यूट वगैरह में होती हैं, वहां पर हम लोग बहुत डिटेल में बहुत सारे राइटर्स और उनकी बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आज भी हमारे इस बुक के हिसाब से होती है, जो 9th की स्टैंडर्ड की बुक है। तो मेडिवल लिटरेचर, मध्यकालीन जो इतिहास रहा राजस्थान का, उसके अंदर बहुत सारे सवाल आपके प्रिलिम्स और मेंस में आपको अभी आए हुए दिख जाएंगे। मैं सिर्फ आरएएस की बात नहीं कर रहा, किसी भी कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में, और इसके अलावा और जो भी एग्जाम होते हैं, रीट हो, पटवार हो, आपकी सीनियर ग्रेड, जूनियर ग्रेड, एसआई, सब के अंदर आपको बुक्स के देखने को मिलेंगे सवाल, और जो इन बुक्स में से आए हुए हैं वही सवाल की बात, इसमें से और एक आई थिंक 12th स्टैंडर्ड की बुक है, उनमें से ही मैक्सिमम सवाल आपके प्रीलिम्स और मेंस के अंदर आते हैं। चलिए, तो मेडिवल लिटरेचर के अंदर यह बताया हुआ है कि राजस्थान में शुरुआती जो दौर रहा, चाहे वो आपके मौर्य वंश के टाइम का हो, चाहे वो आपके जनपद ईरा के टाइम का हो, उन सबके अंदर, सर खाना खाते वक्त क्या मेरे को मिस कर गया, ठीक है, जो भी है वो आपके किसी वो चैट एकदम से पता नहीं कहाँ गायब हो गई, एनीवे कोई बात नहीं, मैं वो समझ में तो आ गया, तारक मेहता के उल्टा चश्मा की जगह हम लोग आपके वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है ना, बिकॉज तारक जी विल नॉट बी हेल्पिंग यू इन दी एग्जाम, वॉट विल बी हेल्पिंग यू इन दी एग्जाम इज वॉट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, एंड दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ इफ यू हैव बीन स्टडिंग लाइक ईटिंग यूर व्हाइल हैविंग योर फूड। So, thank you so much for that. चलिए, coming back to the point. Now, तो आपके जो initial literature था, चाहे वो जनपदकालीन हो, चाहे वो मौर्य को time हो, चाहे वो गुप्त काल हो, तब राजस्थान में संस्कृत और प्राकृत में आपको literature देखने को मिलेगा। संस्कृत was considered as the language of the elite, जो ruling class थी, या जो आपके पढ़ने वाली class थी, अध्ययन वाली class थी, उनके लिए संस्कृत important language थी, और जो
आम जनता की क्लास थी, मैंगो पीपल, आप और मैं, आम जनता, हमारी जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो उस वक्त आपके प्राकृत हुआ करती थी। और राजस्थानी में हम बाद में देखेंगे जब हम डायलेक्ट्स पर जाएंगे कि राजस्थानी जो है वो प्राकृत क्या ब्रंश शूर से नहीं ब्रंश से डेवलप हुई थी, तो उस तरह से वो आपके हम लोग, वो खैर अलग कहानी, वो हम कभी और पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे जैसे जैसे बुक्स के अंदर टॉपिक आएंगे। तो संस्कृत के इनिशियलेटर आपके प्राकृतिक टेक्स्ट हुआ करते थे। मेडिवल ईरा के अंदर जो टेक्स्ट लिखे जाने लगे, मैं ये आपके मेडिवल ईरा से पहले की बात कर रहा हूँ, मेडिवल ईरा में जो टेक्स्ट लिखे जाने लगे थे वो राजस्थान की लोकल या नेटिव लैंग्वेजेस में लिखे जाने लगे, जैसे कि मरुभाषा, ये आपके मारवाड़ वाली हुए तो मारवाड़ी हो गई, मेवाड़ी हो गई, मेवाती हो गई, ढूंढाड़ी हो गई और बगड़ी हो गई। ये लोकल डायलेक्ट्स है राजस्थानी लैंग्वेजेस के, कई सारे और डायलेक्ट्स आते हैं इनके अंदर, तो इन डायलेक्ट्स के हिसाब से इनका डेवलपमेंट शुरू हुआ था। मरुभाषा, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी और बागड़ी, या बगड़ी सॉरी। संस्कृत साहित्य जो है वो राजस्थान में आपको देख रहे हैं, उसमें जो क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, कभी कभी आपके प्री में सवाल आ सकता है कि संस्कृत साहित्य में आपको क्या देखने को मिलता है, क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, तो रॉक एडिक्ट्स, पत्थरों पर या इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो जानकारियां दी हैं वो संस्कृत भाषा में ज्यादातर में। इंस्क्रिप्शंस वही आपके, वही प्रशस्तियां, ये आपके आपके शिलालेख हो गए, प्रशस्ति हो गई हिंदी, इसका मतलब जीनियोलॉजी, मतलब आपका जो वो पूरा वंशावली दी हुई है उसको जीनियोलॉजी बोलते हैं, वो सब संस्कृत में देखने को मिलेगी। ज्यादातर जो शिलालेख हैं, जो प्रशस्तियां हैं, उन सब में आपको संस्कृत के अंदर ही बातों आपके वंश के बारे में वर्णन मिलेगा, क्योंकि वो राजकुल के बारे में बताते हैं, राजाओं के बारे में बताते हैं, इसलिए वो ज्यादातर आपके संस्कृत का, और रिफाइंड लैंग्वेज थी उस वक्त की, लैंग्वेज ऑफ द एलीट्स थी, लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स बोलते हैं उसको, तो उसमें दिया हुआ था। चलिए, राणा कुंभा के समय, राणा कुंभा खुद एक बहुत शानदार आपके राइटर हुए हैं, जितने बड़े राजा उतना ही ज्यादा कल्चरल अचीवमेंट था, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना काम कर सकता है, कुंभा को देखकर कभी कई बार अचंभित करेगा आपको, ठीक है, यू विल बी मैड ड्रॉन ओवर इट कि भाई ये कितना काम कर सके, बंदा एक जीवन में इतना करेगा जो कई सैकड़ों जीवनों में लोग नहीं कर पाते हैं, इतनी किताबें, इतना म्यूजिक, इतना आर्किटेक्चर, इतने सारे अचीवमेंट्स उस बंदे के कुछ कुल 30-35 साल के रूल के अंदर उसने पूरा कर लिया था। मुझे लगता था हम सब के घंटे 24 घंटों का एक दिन होता है, उनके लिए कुंभा जी के लिए वो दिन ही शायद 48-72 घंटों का होता होगा, इतना काम वो अपने जीवन में कर गए होंगे, एक जन्म में कई 100 वर्षों का काम वो करके चले गए। खैर, कुंभा के लिखे हुए ज्यादातर टेक्स्ट संस्कृत के अंदर है, जैसे कि संगीत राज, सूर प्रबंध, संगीत मीमांसा, ये तीनों किताबें हैं जो कुंभा जी ने लिखी है, संगीत राज, सूर प्रबंध और संगीत मीमांसा। इसके अलावा एक रसिक प्रिया नाम का उन्होंने टीका लिखा है। टीका क्या होता है? टीका मतलब होता है कॉमेंट्री, एक तरह से किसी भी किताब का आपके जो समरी होती है उसको हम टीका बोलते हैं। तो वो रसिक प्रिया गीत गोविंद नाम की किताब पर टीका है। सर, जनरल साइंस के लिए कौन सी बुक बेस्ट है? एनसीईआरटी पढ़िए, आई विल ऑलवेज टेल यू रीड एनसीईआरटी, 8th स्टैंडर्ड की, 8th, 9th, 10th और 11th, 12th के रिलेवेंट चैप्टर्स जो आपके बुक में दिए हुए हैं, मतलब सॉरी सिलेबस में दिए हुए हैं, 9th भी नहीं, 8th और 10th की पढ़िए आप सबसे पहले तो, और उसके अलावा आप फिर जो और बुक पढ़नी है तो फिर 11th और 12th के जो रिलेवेंट चैप्टर्स हैं सिलेबस के, उन किताबों को पढ़िए, एनसीईआरटी के बाहर मत जाइएगा। देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, कहीं पर भी जब आरपीएससी पेपर बनाएगी ना, वो कोई बड़ी बड़ी बुक्स लेकर नहीं बैठती है कि भाई सब कोई गाइड मार्केट में चल रही है उसको तो आपको लेकर बनाएंगे, दे गो टू एनसीईआरटी, जो लोकल बुक होती है, जो आपके सॉरी जो आपके गो टू बुक्स होती है, जो स्कूल बुक्स होती है, उनको लेकर एग्जाम में पेपर बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए दैट इज वाई आरपीएससी वही करेगी, तो जो आरबीएससी बोर्ड की किताबें हैं, जो आरबीएससी जो आपके उसके बुक्स है, उन्हीं में से किया जाएगा। सर, आरबीएससी और सीबीएसई, विच वन? आरबीएससी आई वुड प्रेफर। गुड इवनिंग मुस्कान, ठीक है, आई वुड प्रेफर आरबीएससी मेरे हिसाब से। हालांकि इंग्लिश में नहीं मिलेगी तो आप सीबीएसई में शिफ्ट कर सकते हो, अगर आपको वो किताबें इंग्लिश में नहीं मिल पाती हैं तो आप सीबीएसई में शिफ्ट कर जाइए, एनसीईआरटी में शिफ्ट कर जाइए। हालांकि आरबीएससी भी एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करती है, तो वो सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, नाउ कमिंग बैक, तो रसिक प्रिया एक किताब थी गीत गोविंद, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे तो आगे कहीं ना कहीं वो आ ही जाएगा। 12th सेंचुरी में गोविंद सॉरी एक राइटर हुए थे, इनका नाम था जयदेव, उन जयदेव ने 12th सेंचुरी के अंदर एक किताब लिखी थी गीत गोविंद, कुंभा ने उनको पढ़ा और उस किताब का आपके वो लिखा इन्होंने, टीका लिखा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसको रसिक प्रिया कहा गया उस टीके को। इसके अलावा संगीत रत्नाकर, ये सारी किताबें जो है ये राणा कुंभा के द्वारा लिखी हुई थी, संस्कृत के अंदर है, इसीलिए मैंने संस्कृत लिटरेचर में इन सबका नाम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपके संस्कृत के टेक्स्ट भाई शिल्पी मंडन, शिल्पी मंडन कौन थे? शिल्पी मंडन कुंभा के कोर्टियर थे, कुंभा के चीफ आर्किटेक्ट थे, इन्होंने आर्किटेक्ट होने के साथ साथ बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, प्रासाद मंडन और कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ठीक है। हालांकि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो आपके राइटर हैं वो, या उन जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के राइटर है, अत्री और महेश है, जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था,
वहीं पर आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति को भी हम कीर्ति प्रशस्ति कहते हैं, जो आपके इन्होंने शिल्पी मंडल ने लिखी थी। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ये सारी जो किताबें हैं इनके अलग अलग टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो पर हम लोग क्योंकि बुक में नहीं दे रखे तो मैं यहां पर आपको सिर्फ बोल के जा रहा हूं। अदरवाइज जब हम क्लासेस में पढ़ाते हैं तो हम लोग बाकायदा और उस बुक के सब्जेक्ट को भी बताते हैं। तो जैसे आपके देव मूर्ति प्रकरण है, वो कैसे देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की जाती है, कैसे पूजा अर्चना की जाती है, उसके बारे में बताती है। राजवल्लभ जो है वो आपके आपके वो सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग के बारे में बताती है, ठीक है। इसके अलावा रूपमंडन जो है वो आपके देवी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बारे में बताती है। प्रासाद मंडन महलों के बारे में, बावड़ियों के बारे में, इनके बारे में जानकारी देती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभक की लीनियज के बारे में, और जो मेवाड़ आपका जो राजवंश है उसके बारे में, हमीर से सोदिया, बापा रावल, इन सब बापा रावल से लेकर और कुंभा तक के आपके पूरे जो काम रहे हैं उनके, जीनियोलॉजी जो है उसके बारे में जानकारी बताती है। सर, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन हमारा राजस्थान एंड असमदीन? देखिए, नया पुराना हो गया एक तरह से, मान लीजिए हमारा राजस्थान आपके 6th, 7th, 8th से शुरू हो जाती है। पहले एनसी आपके राजस्थान अध्ययन भी तब आया करती थी उस टाइम पर, बट ऑलमोस्ट सेम है मैटर, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड्स का फर्क हो गया। मैं फिर भी लेकिन आपको कहूँगा कि 9th, 10th, 11th, 12th की राजस्थान अध्ययन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाती हैं। दे आर मोर ऑफ इन सिंक विद द सिलेबस पैटर्न, उसके हिसाब से ज़्यादा वो है फेमस। चलिए, तो ये आपको बताया था। इसी तरह आपके संस्कृत के और जो राइटर है, एक नाम है बाबू भट्ट, ये आपके मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह उनके दरबारी राइटर थे। कौन? बाबू भट्ट। उन्होंने किताब लिखी है जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगत सिंह के टाइम पर ये वहां पर आपके मंदिर बनवाया गया था, जगन्नाथ राय मंदिर, ये आपको जगदीश मंदिर भी बोलते हैं, वहीं पर आपके जगन्नाथ राय प्रशस्ति लगी हुई है। वो जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है उसको एनग्रेवर जो थे वो आपके बाबू भट्ट थे, ठीक है, जिन्होंने हथौड़ी छेना लेके खुदाई करके लिखा था। एक कंपोजर होते हैं, एक एनग्रेवर होते हैं, तो उसके एनग्रेवर जो थे वो आपके बाबू भट्ट थे। एक थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिन्होंने राज सिंह प्रशस्ति लिखी है, जो महाराणा राज सिंह के कोर्ट पर हुआ करते थे, कोर्ट आपके कोर्टियर थे, उन्होंने लिखी है। तो ये सब आपके प्री में सवाल बन जाते हैं कि आपके जगन्नाथ राय प्रशस्ति का रचयिता कौन है, राज सिंह प्रशस्ति का आपका रचयिता कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा ये दोनों उनके नाम थे जो राइटर्स वगैरह थे। सवाल बन जाते हैं प्री में, ऐसे सवाल बनते हैं, और क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं तो आरपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू रीड दिस बुक एंड आंसर देम। हमें लगे बहुत टफ सवाल पूछ लिए, बट जो चीज लिखी हुई है और जो ऑथेंटिक बुक्स में चल रही है वो टफ नहीं होती, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पढ़ के जाएं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब अगला आता है आपके राजस्थान में और कौन कौन से रूलर जो संस्कृत को पेट्रोनेज दिया है, ठीक है। तो राजस्थान में कई सारे राजाओं ने संस्कृत के स्कॉलर्स को पेट्रोनेज दिया है, इनफैक्ट सभी भाषा के स्कॉलर्स को दिया करते थे। संस्कृत तो बहुत इंपॉर्टेंट और रिफाइंड लैंग्वेज होगी तो उसको भी दिया ही जाता था। जैसे कि आमेर के थे मानसिंह, ये राजा मानसिंह आमेर वाले, और सवाई जयसिंह जिन्होंने जयपुर बसाया, जयसिंह सेकंड कह लो या सवाई जयसिंह कह लो, तो वो। इसके अलावा मारवाड़ के थे राजा जसवंत सिंह, जसवंत सिंह वही जिन्होंने औरंगजेब के साथ काफी लंबा युद्ध वगैरह भी किया था। तो उन्होंने किताब लिखी है भाषा भूषण और आनंद विलास, दोनों किताबें किसने लिखी हैं? जसवंत सिंह ने लिखी है, मारवाड़ के जसवंत सिंह ने भाषा भूषण और आनंद विलास नाम की दोनों किताबें लिखी हैं। ऐसे अजमेर के राजा थे विग्रहराज चतुर्थ, चौहान राजा थे विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने किताबें लिखी हैं हरिकेली, उसने नाटक लिखा हरिकेली। हरिकेली एक संस्कृत का लिखा हुआ नाटक है जो विग्रहराज चतुर्थ ने, जिनको हम बीसल देव कवि बांधव भी बोलते थे, उन्होंने लिखा था इसको, अजमेर के चौहान वंश के राजा थे। इसके अलावा एक आते हैं आपके बीकानेर के राजा राय सिंह और बाद में अनूप सिंह, ठीक है, ये दोनों भी बड़े संस्कृत के बहुत ज्यादा बड़े गया। अरूप सिंह ने खुद बहुत किताबें लिखी है, राय सिंह ने भी किताबें लिखी हैं, हालांकि किताब बुक में उनके बारे में, किताबों के बारे में लिखा हुआ नहीं है, तो हम उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब आगे जाके हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें और जब लैंग्वेजेस चेंज होंगी तो हम उसको वहां पर पढ़ लेंगे, ठीक है। सर, वाई आर द मेवाड़ रूलर्स आर सो फेमस डिस्पाइट जयपुर रूलर्स डूइंग मोर इंपॉर्टेंट? ऐसा नहीं है भाई, मेवाड़ मारवाड़ सभी राजघरानों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है, और मेवाड़ सबसे पुराना राजघराना रहा है, 566 एडी के आसपास से मेवाड़ की स्थापना के बारे में हमको जानकारी मिलती है। जयपुर तो कुल मिलाकर आपके हालांकि वो अपने अपनी लीनियज बहुत पुरानी बताते हैं, लेकिन आमेर के जो कछावा वंश है उनकी शुरुआत हम लोग करीब 12th सेंचुरी के अंदर मानते हैं, उसके भी करीब 700 साल के बाद मेवाड़ के, तो थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता है। और ऐसा नहीं है इतिहास के अंदर, ऐसा नहीं है कि भाई मेवाड़ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, मारवाड़ को या जयपुर को इंपॉर्टेंस दी गई है, मारवाड़ को कम दी गई है, ये हमारे पढ़ने सोचने का नजरिया हो जाता है। भाई इतिहास चाहे कोई कितना ही न्यूट्रल होकर कोशिश करे लिखने की, लेकिन जो व्यक्ति का जो कोर नेचर है वो तो कहीं ना कहीं झलकता ही है। तो अगर आपका थोड़ा लीनिंग अगर मेवाड़ की तरफ है तो आपको लगेगा कि मेवाड़ के बारे में ज्यादा बताया गया है, मारवाड़ की तरफ है तो आपको लगेगा मारवाड़ को कम बताया गया है, जो भी है वो आपकी पर्सनल लीनिंग पे भी डिपेंड कर जाता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब कोशिश करेगी इतिहासकारों की कि हमेशा न्यूट्रल रहकर चीजों को बताएं, और अच्छा इतिहासकार वही होता है, बट आखिरकार इतिहासकार है तो इंसान ही,
और व्यक्ति कहीं ना कहीं तो लीन कर ही जाता है अपनी अपनी नेचर के हिसाब से, भले ही वो जाहिर ना करना चाहे, बट कई बार लगता है, देखने पढ़ के ऐसा लगता है। तो कुछ किताबों में आपको ऐसा लगेगा कि किसी एक पर्टिकुलर डायनेस्टी को ग्लोरीफाई किया हुआ है, वरना कुछ में लगेगा आपको कि उसको नहीं किया हुआ है। तो ये सब्जेक्टिव चीज़ें हो जाती हैं, हमारे एग्जाम से कोई बहुत ज़्यादा इसका लेना देना नहीं है, ना ही ज़्यादा बुक के से रिलेटेड है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये बीकानेर के राय सिंह और अनूप सिंह की जो आपके मैंने बताया राजा, उन्होंने लिखा था। इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट संस्कृत टेक्स्ट हैं? तो जोधपुर में एक महाराज है मानसिंह, नाथ संप्रदाय को मानने वाले सबसे बड़े राजा मानसिंह, ये जोधपुर वाले भाई, ये राजस्थान में जयपुर वाले नहीं है राजा मानसिंह, ये अलग है, ये आदमी अलग है और ये आदमी अलग है भाई, ठीक है ना। तो मानसिंह ने किताब लिखी नाथ चरित्र, हालांकि मानसिंह ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ठीक है, नाथ स्तुति भी लिखी है, नाथ चरित्र भी लिखी है, तो ये आपके उसमें अलग चीजें मिलेंगी। पेट्रोनेज का मतलब, पेट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण देना, संरक्षण देना किसी को, आपके जो मतलब आपके आपको अपने कोर्ट में रख लेना और आप जो लिख रहे हैं उसके आपको पैसे देना। भाई हर आज के टाइम पर भी जब राइटर्स को पैसे मिलते हैं तो ही वो काम करते हैं, पुराने समय में राइटर हो चाहे म्यूजिशियन हो चाहे डांसर हो चाहे कोई भी हो, वो पैसों के लिए काम करते थे। अब आज तो चलो फिर भी वो कई सारी बुक लिख के पब्लिश हो जाती है मल्टीपल और उसको रॉयल्टी मिलती है और ये सब काम होते हैं, तो इनकम ऐसे बढ़ जाती है, पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं था। तो हर कोई बड़े बड़े जो राइटर हुआ करते थे, राइटर सिंगर डांसर, वो किसी कोर्ट में रहा करते थे, किसी राजा के आश्रय में रहते थे। तो जो राजा आश्रय देता था, उस आश्रय देने का मतलब होता है पेट्रोनेज देना, ठीक है ना, वो उसके संरक्षण के अंदर वो बंदा लिखा करता था, ये वाली बात, ठीक है, तो वो पेट्रोनेज होता है। तो ये मानसिंह ने किताब लिखी है नाथ चरित्र नाम की। ऐसे ही एक राजा थे, सॉरी एक राइटर थे जयानक के, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पहले तो तलाइन में हराया था, दूसरे में हार गए थे 91-92 में, 11-91-92 में। तो उनके कोर्टियर थे जयानक, उन्होंने किताब लिखी पृथ्वीराज विजय नाम से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आरएएस 2012 का सवाल था, किसने लिखी किताब, इस वाले, यही सेम किताब। पंडित जयदेव थे जो प्रतापगढ़ के राजा के नाम रहा करते थे, उन्होंने किताब लिखी हरि विजय। और गंगाराम भट्ट थे, उन्होंने किताब लिखी हरिभूषण। हरि विजय अलग है, हरिभूषण अलग है, एक जयदेव ने लिखी है और एक आपके गंगाराम भट्ट ने लिखी है। अब ये किताबें क्या है, बहुत कम लोगों ने सुनी होंगी, क्योंकि हम लोग जब आप जब अपनी गाइड वगैरह पढ़ते हैं, कोई और किताब वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको ऐसी इन किताबों के बारे में जानकारियां कम मिलती है, ये मिल जाएगी इन सब के बारे में मिल जाएगी, ये किताबें कम मिलती हैं आपको जो किताबों में। पर सवाल एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं, अब हमें एग्जाम में जब सवाल मिलते हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं कहां से पूछा हुआ है, सिंपल से स्टैंडर्ड नाइन्थ किताब की, नाइन्थ की बुक उठाओ और आपको सारे सवाल सामने सामने खोल के दिख जाएंगे जब आप बुक में लिख रहे होंगे। पर इतनी जहमत कौन उठाए, करे कौन है, अब जी नहीं लगता, वो वाली बात, इतना पढ़ लिए सॉरी कि अब मन नहीं करता उसको पढ़ने का। बट ये बेसिक चीजें देखिए, सिविल्स के अंदर क्या पढ़ना है से साथ साथ उतना ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी किताबें हैं जो हमारे काम की नहीं है, जो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, हमारा वो बढ़ा रही है, आपके एफर्ट बढ़ा रही है लेकिन रिटर्न कम आ रहा है। इसीलिए कोशिश करिए कि आप रेगुलर टच में रहें अपने एजुकेटर्स के, अपने सीनियर्स के, कौन सी किताब, और ढंग के सीनियर्स के, वो नहीं जो लफाजी होते हैं आपके, हवाबाजी करते हैं, वो नहीं, रेगुलर लोग जो आपको ढंग से गाइड करें। अब आपको बंदे मिलकर पता लग जाएंगे भाई ये गाइड करने वाला बंदा है, दो चार बार ट्रायल एंड एरर होगा, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट किताबें सारी की सारी, सब सब पेपर में सारे सवाल आ सकते हैं प्री में आपके, सारे के सारे बैक टू बैक। फिर आते हैं राजस्थानी लिटरेचर के बारे में। इससे पहले हम लोग ओवरऑल राजस्थान में जो प्री मेडिवल ईरा से पहले का जो माहौल था संस्कृत वगैरह का, उसके अंदर क्या क्या जानकारी दी है। गुड इवनिंग निकिता। तो जो जो जानकारी दी है उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं राजस्थानी साहित्य को कितने तरीकों से बांटा गया है। ये सवाल मेंस में ऑलरेडी आ चुके हैं, 2018 के मेंस में भी चारण साहित्य पे सवाल आया था, हम वो भी पढ़ेंगे। पहले जैन साहित्य लिखा है मैंने, जैन साहित्य राजस्थान को, राजस्थानी साहित्य के चार इंपॉर्टेंट भाग हैं। एक तो जैन साहित्य है, एक आपके चारण साहित्य है, एक आपके संत साहित्य है और चौथा आपके लोक साहित्य है, ठीक है। तो ये चारों आपके, दैट्स व्हाई आई ट्रस्ट योर पीपीटी फॉर नोट्स, थैंक यू सो मच जैनल, आप है ना सर पढ़ाने के लिए, बिल्कुल है मौजूद है, पर आप पढ़ते रहिए साथ साथ, यूट्यूब पे आइए, क्लासेस में आइए, जहां भी है रेगुलरली टच में रहिए, तब तो वो हेल्पफुल रहेगी चीज, ठीक है। अदरवाइज लाइक एंड शेयर करिए, इतना तो मैं आपसे डिमांड कर ही सकता हूँ, एंड डिमांड ही करूंगा मैं एकदम, एंड कमांड भी करूंगा साथ में कि आई वुड वांट माय स्टूडेंट्स टू एटलीस्ट लाइक एंड शेयर द वीडियोस जैसे भी मौका मिले, इट्स गोइंग टू इंक्रीज द रीच, वो भी इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश मीडियम में यूजुअली लोग पढ़ाते नहीं इन किताबों को, मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाकर देता हूँ, तो इतना सा तो थोड़ा सा तो मैं एफर्ट आपसे भी लेना चाहूंगा कि आप लोग भी एफर्ट लेकर और इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं,
ठीक है, थैंक यू। चलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो राजस्थानी साहित्य के अब ये मेंस में सवाल आए हुए भी, अभी हम आगे देखेंगे धीरे धीरे कौन कौन सवाल मेंस में आए हुए हैं, तो वो 5 नंबर में 10 नंबर में सवाल आएगा, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन 9th की बुक में दे रखी है, अगर आप उसकी आधी भी लिख कर आ गए, जितना भी आप लिख कर आ गए, आपको सॉर्टेड हो जाओगे, आप पूरी तरह से सॉर्टेड हो जाओगे आप, ठीक है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जैन साहित्य या लिटरेचर क्या है? देखिए शुरुआत में जब राजस्थानी एज अ लैंग्वेज ग्रो करती है, तो सबसे पुराना जो राजस्थानी में साहित्य हमको देखने को मिलता है, वो जैन जो राइटर्स थे उनके द्वारा देखने को मिलता है। जितने भी ये सूरी सरनेम के राइटर रहते ना, ये सारे जैन हुआ करते थे भाई, ठीक है, ये सूरी सारे जैन धर्म को फॉलो करने वाले हुआ करते थे। तो इन्होंने शुरुआत में जो राजस्थान का जो साहित्य है वो जैन मंक्स के द्वारा, जैन जो तीर्थंकर थे या जैनों के जो डिसाइपल्स थे, जो उन लोगों के द्वारा जो श्रावक हुआ करते थे, डिसाइपल्स थे, उनके द्वारा लिखा गया था। यूजुअली जैन धर्म के जो फॉलोअर थे वो पूरे देश में घूमकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे, महावीर जी की और बाकी जो तीर्थंकर हैं उन सबकी टीचिंग्स का प्रचार प्रसार किया करते थे। लेकिन जो चातुर्मास का टाइम आता है, जब बारिश वगैरह का होता है, जब ट्रैवल करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, आज के टाइम की तरह नहीं गाड़ी उठाए चल दिए, पहले पैदल घूमना पड़ता था, मैं आज से 2000 साल के आस पहले की आसपास की बात कर रहा हूँ, तो वो जो दौर है तब आपके ये जो आपके ज्यादातर जो जैन मंक्स और जो ट्रैवलर्स होते थे, रुक कर एक जगह पर किताबें लिखा करते थे, यूजुअली वहां पर थे। तो राजस्थान में जो सबसे पुराना साहित्य जो है वो आपको जैन धर्म, जैन जो आपके तीर्थंकर या आपके सॉरी जो ट्रैवलर्स थे उनके, जो मंक्स थे उनके द्वारा लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो उनमें से ज्यादातर उन्होंने जैनिज्म के थॉट्स को, टीचिंग्स को प्रमोट किया। भाई प्रैक्टिकल सी बात है, जिसके आइडियाज को मान रहे हैं उसकी आइडियोलॉजी को प्रमोट भी करेंगे, गलत भी नहीं है, वो किया। और यहां पर शांति रस की प्रधानता है, पीस, ये शांति रस ऐसे लिखिएगा आप। देखिए आप जब भी मेंस में आंसर लिखें, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, मैं मेंस लिखा हुआ हूं, इंटरव्यूज दिए हुए, इसलिए बता रहा हूं कि आप ज्यादातर हर जगह इंग्लिश लगाने की कोशिश मत करना। इंग्लिश मीडियम वालों की एक थोड़ी सी ये एक बैकड्रॉप ही होता है कि वो अननेसेसरी हर चीज को ट्रांसलेट करके लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे उसको लिखने के तरीके का जो फील होती है ना वो चेंज हो जाती है। एग्जामिनर के लिए आपकी आपकी कॉपी पढ़ने के साथ साथ उस फील को लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके विचारों को समझाना, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप शांति रस ब्रैकेट में भले ही पीस लिख दीजिएगा, वो चल जाएगा, लेकिन आप प्राइमेसी ऑफ पीस फील नहीं आएगी आंसर में, वो कनेक्ट नहीं बैठेगा, और वो करेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको लगा क्या मजाक कर रहे हो, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जो आंसर चेक करता है उसको आपके आंसर में वो मर्म और वो चीज दिखनी चाहिए, ठीक है। सर ये क्लासेस मेंस के लिए, दोनों के लिए मैम, ठीक है, दोनों के लिए है ये, दोनों चीजों में आपके काम आएंगी। देखिए वैसे भी आप जानते हैं, आप मेरे पुराने स्टूडेंट रहे, मैं शुरू से बोलता हूँ, कोई प्री और मेंस की अलग अलग क्लास नहीं होती है, क्लास एक जैसी होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन प्री रिलेटेड होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन मेंस रिलेटेड होती है, दोनों ही जरूरी होती है, क्योंकि दोनों ही कंबाइंड नॉलेज से आप एग्जाम पूरा क्रैक करते हो। तो प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है चीजें, इसीलिए मैंने नोट्स भी शॉर्ट फॉर्म में बना रखे हैं कि आप उसमें आराम से उस चीज को पढ़ पाए। चलिए तो शांति रस की प्रधानता है, आप जैन धर्म वाले जो ज्यादातर जो आपके मतलब तीर्थंकर हुए सब सबने शांति को प्रधानता दी, अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का जो बेसिक मोटो रहा, तो इसीलिए इन्होंने शांति की बातें प्रमोट की, उसको आगे बढ़ाया, तो शांति रस की प्रधानता होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स जो बुक में दे रखे हैं, और ये राइटर्स की बुक भी आपके एग्जाम में आ जाती है, फिर आप बोलते हो पता नहीं कहां से पूछ ली, मैंने बताया बेसिक कोर्स बुक में लिखी हुई है। तो एक राइटर है हेमचंद्र सूरी, जिन्होंने किताब लिखी है देश नाम माला, और किताब लिखी है शब्द अनुशासन, दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है। देखिए चीजों को थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा और थोड़ा बहुत आपको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा दिमाग में कि भाई इसका राइटर ये है, उसका राइटर वो है, ठीक है। सर हम पुराने नहीं है, न्यू स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, नए पुराने आपको भी एग्जाम तो सबको देना ही है ना, नए पुराने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं निकिता जी के लिए बोल रहा था, शी इज एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ माइन, ठीक है। लेकिन इट्स सिमिलरली लाइक फॉर एवरीवन, ओनली नॉट ओनली फॉर यू, पर जो चाहे पुराने हो चाहे नए हो, ऐसा नहीं है कि पुराने वालों को सब पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, नए वालों को नहीं पता है क्या नहीं पढ़ना है। मैं सबके लिए जनरल, आई टेक एवरीबॉडी एज इक्वल, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन नया है कौन पुराना है, मैं तो यहाँ किसी को ना देख सकता ना मैं, आप जो लिख रहे हैं उसके हिसाब से मैं चीज कर पाता हूं, ठीक है। चलिए तो देश नाम माला और शब्द अनुशासन। फिर एक राइटर ऋषि वर्धन सूरी, उन्होंने किताब लिखी नल दमयंती रास, नल और दमयंती के प्रेम कहानी के ऊपर नल दमयंती रास है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बुक। फिर आपके धर्म समुद्रगनी, ये रात्रि भोज रास लिखी इन्होंने, ठीक है। धर्म समुद्रगनी ये राइटर का नाम है, ये राइटर है, सारे रेड वाले राइटर है। और हेमरत्न सूरी गोरा बादल री चौपाई, ये हेमरत्न सूरी जो थे ना ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि हुआ करते थे, बता रहा हूं मैं, हेमरत्न सूरी जो है वो महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। इन्होंने किताब लिखी है गोरा बादल री चौपाई। अब एक मजे की बात बताता हूं आपको, मजे की ट्रिवियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट भी नहीं ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है।
ये जो हेमरत्न सूरी ने किताब लिखी है गोरा बादल दी चौपाई, अब मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप किताब लिखते हो तो आपको कोई ना कोई पेमेंट करेगा जब भी तो लिखोगे, पहले तो रॉयल्टी मिलती नहीं थी, पहले तो आपको खुद को करना पड़ता था। तो इन्होंने जो किताब लिखी थी इसका किताब का पेमेंट इनको भामा शाह के भाई तारा शाह ने किया था, ठीक है। भामा शाह जो थे जिन्होंने को मेवाड़ का उद्धारक बोलते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आगे जब मेवाड़ पढ़ेंगे तो वहां पर नाम आएगा भामा शाह, जिन्होंने मेवाड़ को कई सारे महाराणा प्रताप को बहुत सारी संपत्ति दी थी, भले ही वो खुद की संपत्ति नहीं थी, उन्होंने मेवाड़ की संपत्ति खजाने को लाकर दिया था, लेकिन वो उनको मेवाड़ का उद्धारक भी मानते हैं क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप को अकबर से लड़ने के लिए काफी पैसा वैसा दिया था, युद्ध में गए थे वो, इस तरह की बात हो जाती है। तो उनके भाई थे तारा शाह, किताबों में उनको कही जगह ताराचंद नाम मिलता है, ताराचंद नाम नहीं था, तारा शाह नाम था उनका। तो जो तारा शाह थे इन्होंने इस किताब को लिखने के लिए हेमरत्न जी को पैसे दिए थे, भाई आप किताब तो लिखो, पैसे हम देंगे, पेमेंट चाहिए ना आपको देंगे, भाई भूखे पेट भजन नहीं होते गोपाला, तो उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो यहां पर इन्होंने आपके गोरा बादल की चौपाई आपके हेमरत्न सूरी ने उस दौर में लिखी थी। ये गोरा बादल वही है जो 1303 के रणथम सॉरी चित्तौड़ के पहले सॉरी दूसरे सॉरी चित्तौड़ के पहले साके के अंदर आपके इनके साथ रतन सिंह के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे, या आपके वहां पर उन्होंने केसरिया किया था, शहीद तो सही टर्म नहीं है, केसरिया किया था 1303 चित्तौड़ का पहला साका, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रावल रतन सिंह। तो रतन सिंह के साथ ये दोनों गोरा बादल चाचा भतीजे थे, वो लड़ते हुए आपके वहां पर केसरिया किया था इन्होंने, तो इनके बारे में सारी जानकारी उसमें दी हुई है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जैन साहित्य के बारे में। चारण साहित्य जो अगला साहित्य है ये आपके ऑलरेडी मेंस में पूछा हुआ है, अभी आपके 2018 का मेंस था शायद, आई एम श्योर उसमें पूछा था ये सवाल चारण साहित्य के बारे में, और 10 नंबर का सवाल था। अगर आप इतना सा भी लिख देते ना आपको आराम से 7-8 नंबर मिल जाते, आपको जरूरी नहीं है कि उसमें 10 नंबर में 100 वर्ड ही लिखने हो, आप इस तरह टेबल बनाकर ये सारी थोड़ा बहुत सेंटेंस फॉर्मेट में लिखकर आ जाते ना तो भी आपको 7-8 नंबर मिल जाते। एंड फॉर दोज ऑफ यू आर वंडरिंग कि 7-8 नंबर 10 बजे ठीक है क्या, मिलते नहीं है लोगों को, नंबर मिलते 3-4, ठीक है ना। 8 नंबर का मतलब है कि आप टॉप 10 वाले लोगों की कैटेगरी में आ गए हो, अगर आपको 10-10 नंबर के सवालों में 8-8 नंबर मिल रहे हैं तो आप टॉप 10 वाले लीनियज में सॉरी उस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो। तो इतना लिख दोगे आपको 7-8 नंबर आराम से मिल जाएंगे, कुछ असर आपकी राइटिंग का भी होगा, मेरी जैसी होगी तो थोड़े 7 ही मिलेंगे, आपकी अच्छी होगी तो 8, हो सकता है एक दो चीजें और लिखे हो तो आप 9 तक मिल जाए आपको। तो वो तरीका होता है आंसर लिखने का, ठीक है। तो ये आपके चारण साहित्य है, इसके अंदर आपका चारण साहित्य को हम कई बार ये चारण शब्द सुनते हैं। चारण एक कम्युनिटी हुआ करती थी जो आपके राजाओं का इतिहास लीनिएज उनके जो हीरोइज्म के रिलेटेड चीजें थी उसके बारे में जानकारी देती है। चारण और भाट, ईस्टर्न राजस्थान में यूजुअली भाट लिखते थे, वेस्टर्न राजस्थान में यूजुअली चारण समुदाय के लोग लिखते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि चारण समुदाय के लोग ईस्ट में नहीं लिखेंगे और भाट समुदाय के लोग वेस्ट वालों पे नहीं लिखेंगे। एक नॉर्मल हम लोग मानते हैं कि वो डिस्टिंक्शन हो जाता है, डिंगल और पिंगल भाषा है। जब हम आगे हम और पढ़ेंगे तब डिटेल में तब बताऊंगा इसके बारे में। आई थिंक राइट नाउ इज नॉट द राइट टाइम टू डिफरेंशिएट इन दैट मच ऑफ डिटेल, ठीक है। तो वो लिखते थे। अब इसमें ज्यादा अब राजपूत काल जो है वो ज्यादातर युद्धों का, ठीक है, विजयों का इसका समय है, तो उसमें आपको ज्यादातर क्या दिखेगा, उसमें हीरोइज्म देखने को मिलेगा, वेलर शौर्य राजपूत परंपरा का। इसके अलावा जो आपके राजपूत जो आपके राजकुल के लोग उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये जो आपके जो चारण साहित्य है उसके अंदर आपको वीर रस की प्रधानता दिखेगी, हीरोइज्म वीर रस, साथ साथ आपके श्रृंगार रस एस्थेटिक्स इसकी प्रधानता देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपके रानियों का वर्णन होगा, कोर्ट लाइफ का वर्णन होगा, ये सारी जानकारी मिलेगी। तो जो ऑपुलेंस थी राजपूत ईरा की वो, और साथ साथ जो उन्होंने वीरता के काम किए, लड़ाइयां लड़ी हैं, ऐसे ऐसे कारनामे जो हमें सुन के लगता है कि क्या शायद पॉसिबल है पर जो उन्होंने जीवन में जीकर किए हैं, तो वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता वहां देखने को मिलती है। इसके अलावा इनके तरीके होते लिखने के, जैसे मैंने फॉर्म्स लिखा है, फॉर्म्स किस चीज की, राजस्थान में लेखन की फॉर्म्स। जैसे आप ऐसे समझिए कि इंग्लिश के अंदर आप पोयम लिखते हो, ठीक है, आप शॉर्ट स्टोरीज लिखते हो, एपिक्स लिखते हो, स्टोरीज लिखते हो, ठीक है, ये फॉर्म हो गई लिखने की। ऐसे ही राजस्थान के अंदर भी लेखन की कई सारी विधियां होती हैं, कई सारे तरीके होते हैं। जैसे ये होता है रास, ख्यात, दुहा, रासो, वेली, मरसिए, कई सारे तरीके होते हैं लिखने के, विधाएं होती है लिखने की। राजस्थान में साहित्य लिखने की विधाएं होती हैं। तो मैंने कुछ फॉर्म यहाँ पर नाम दिए जो किताब में लिखे, बाकी तो सर मैंने बताए नहीं, बट वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चारण टेक्स्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे चारण राइटर्स जिनकी बुक्स बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे एक है आपके बादर धाड़ी, ठीक है, बादर धाड़ी ने किताब लिखी वीरमायण, वीरमायण। अच्छा, ये बादर धाड़ी की लिखी हुई किताब वीरमायण चारण साहित्य की पहली किताब है, ठीक है, ये चारण साहित्य की फर्स्ट किताब है भाई, तो इसीलिए पूछ सकते हैं भाई कि सबसे पहली किताब कौन सी लिखी थी चारण साहित्य में, तो बादर धाड़ी की लिखी हुई वीरमायण,
ठीक है, ये जो वीर मायण है ना, ये कहता है इसका ये वर्णन मिक्स है दो शब्द का, वीर प्लस आयन। आयन का मतलब होता है कहानी, वीरों की कहानी, तो वीर मायण, इसलिए किताब का नाम बादरधाड़ी। राइटर जो है एक थे चंद बरदाई, जिन्होंने किताब लिखी पृथ्वीराज रासो। ये रासो भी इस तरह का फॉर्म है, रास रासो, ये सब आपके फॉर्म है किताब लिखने के, विधाएं हैं। तो चंद बरदाई ने किताब लिखी पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई की ये किताब पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, वो जिस तरह आपको मैंने अभी नाम बताया था, राइटर जयानक, जिसने किताब लिखी पृथ्वीराज विजय, वो आपके क्या कहते हैं संस्कृत भाषा के अंदर थी, ये आपके राजस्थानी भाषा के अंदर है। तो चारण साहित्य चंद बरदाई की किताब वो है। चंद बरदाई भी पृथ्वीराज चौहान थर्ड का कोर्ट पोएट हुआ करता था। इसका असली नाम पृथ्वी भट्ट था, इसका दूसरा नाम चंद बरदाई था। ये कहते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड का बचपन का दोस्त था, चड्डी बड्डी थे दोनों एकदम। वो मुणोत नैन्सी जोधपुर के दीवान हुए थे, वहीं के राइटर थे, इन्होंने किताब लिखी नैन्सी दी ख्यात। और ऐसा कहते हैं कि मुणोत नैन्सी के द्वारा लिखी हुई नैन्सी दी ख्यात ख्यात साहित्य की सबसे पहली ख्यात है। जैसे मैंने बताया कि बादर धाड़ी की लिखी वीर मायण चारण साहित्य की सबसे पहली किताब है, वैसे ही मुणोत नैन्सी की लिखी हुई नैन्सी दी ख्यात ख्यात साहित्य की लिखने के तरीके की सबसे पहली ख्यात है राजस्थान की। फिर एक कवि राजा बाकी दास आते हैं, ये जोधपुर के कवि थे, जोधपुर के राइटर थे भी, इन्होंने किताब लिखी बाकी दास दी ख्यात, इनके नाम से ही है। ऐसे एक आते हैं शिवदास गार्डन, इन्होंने किताब लिखी अचल दास खिंचीरी वाचनिका। वाचनिका भी राजस्थान में लिखने का एक तरीका होता है, वाचनिका बोलने वाला, तो उसकी जो राइट है। फिर पृथ्वीराज राठौर, कुंवर पृथ्वीराज राठौर, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, कुंवर पृथ्वीराज राठौर। कुंवर पृथ्वीराज राठौर बीकानेर के राजकुमार हुआ करते थे और अकबर के नौरत्नों में से एक थे, अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे। उन्होंने किताब लिखी है वेली किशन रुक्मणीरी। वेली भी आपके एक साहित्य को लिखने का तरीका है, इसमें कृष्ण और रुक्मिणी जो कृष्ण की पटरानी थी उनके बारे में सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, ऐसे ही एक आते राइटर सूर्यमल मिश्र, उन्होंने किताब लिखी है वंश भास्कर एंड वीर सत्सई, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। ठीक है, बता दो सर, क्या बता दो भाई? सर आई वॉज अनेबल टू मेक टू द मेन्स ऑफ दिस टाइम, व्हाट शुड आई डू नाउ, प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और आरपी। अभी तो यूपीएससी करी है यार, आरएएस तो देखो अभी अगले साल ही आएगी या इस साल के एंड तक आएगी, एग्जाम प्री की तो अगले साल ही होगी मेरे हिसाब से, मोस्ट लाइकली। देखो मैं सिर्फ स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ, मैं अगर मेरे पास ना तो आरएएस के बारे में कोई मतलब आरपीएससी में अपनी कोई जानकारी है ना बहुत ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन इस तरह की, तो जो मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ क्योंकि जून जुलाई में एग्जाम होगा तो अक्टूबर नवंबर तक अगर वैकेंसी निकलती है तो भी प्री तो अगले साल ही होगा, तो तब तक तो आप यूपीएससी करो ना यार, क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई नहीं तो प्रॉब्लम आ रही, वो करो आप, बढ़ाओ अपनी पढ़ाई को, यूपीएससी का भी एग्जाम दो, जब आरएएस आएगी टाइम पर आएगी जैसा भी होगा देख लेना, कर लेना आप उस चीज को, बट आप आरएएस के लिए अपनी तैयारी को रोको मत कि यूपीएससी की तैयारी रोक दूं क्या, ऐसा मत करिएगा, कभी भी मत करिएगा भाई। देखो मैं इनफैक्ट मैं ये तक कहूंगा कि ब्याह शादी मत रोक देना भाई आरएएस के चक्कर में, कि आरएएस आएगी तो चलो ब्याह बाद में कर लेंगे, ये सब काम पहले कर लो भाई, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आरपीएससी भाई धोखा स्वभाव है इसका, ये अटका सकती है कहीं ना कहीं, तो इसलिए आपका ये कोई भी काम एग्जाम के लिए मत रोकना कि भाई ब्याह हम तब करें जब आरएएस बन जाए, ये काम हम तब करें जब आरएएस हो जाए, ना 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 मुन्ना ना, है ना, जो काम करना है आपको वो सब आप पहले टाइम पर करिए, इसके अंदर कहीं कोई नहीं, सब बाद में, आपने फोकस साथ साथ एक एक चेकबॉक्स करते रहिए भाई, सबका एक टाइम होता है हर चीज का, तो वो अपने तरीके से उस काम को करते रहिए, वहां पर गड़बड़ मत करिएगा किसी भी चीज, आरएएस जैसी चीज के लिए अपने जीवन को या अपनी दिशा दशा को रोका नहीं जाता, थोड़ा टाइम एंड अगेन चेंज करते रहो, लेकिन ये नहीं कि आप उसको रोक कर बैठ जाओ ये काम हो तभी मैं आगे बढ़ू, वो कभी काम भी पूरा नहीं होगा आपका, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। चलिए कमिंग बैक टू दी पॉइंट नाउ, अब आपके अगला आता है एक सेकेंड, संत साहित्य तीसरा तरीका, तो राजस्थान में सेंट लिटरेचर। सर मैंने पीजी ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल सही किया मैम, पढ़ाई लिखाई के अंदर कोई आपके वो नहीं होना चाहिए, छोटा वो कहीं भी लेफ्ट राइट वगैरह ज्यादा नहीं घूमना है, अपना फोकस करते रहिए, चीजों के टच में रहिए, कुल मिलाकर बात ही है, अपना जीवन एक एग्जाम के आसपास मत बना के रखिए कि मेरा जीवन इसके होने के बाद ही पूरा होगा, ठीक है, यू आर मिसिंग द इंपॉर्टेंट एंड स्मॉल जॉयज ऑफ लाइफ, वो मत करिएगा, किसी भी एग्जाम को किसी भी इवेंट, इनफैक्ट लाइफ के किसी भी इवेंट को इतना बड़ा मत बनाइए कि आप बाकी सारे काम उसके ऊपर छोड़ दे, उसको रोक दे, सबका नहीं होता है, भगवान ना करे क्या पता कभी आप करना हो और आपके पूरे इवेंट उसके लिए रुक जाए, ऐसा मत करिएगा, इतना बड़ा गैम्बल जीवन में मत लीजिएगा, कभी भी मत करिएगा, ठीक है, इसलिए चलिए कमिंग बैक टू दी पॉइंट, संत साहित्य, तो जो साहित्य संतों के द्वारा लिखा गया, संत कौन से लोक संत, हमारे बाबू जी हड़बू जी रामदेव जी, उन्होंने सबने दादू जी और पता नहीं कितने ज्यादा लोक संत, राजस्थान की धराओं पे तो एक से एक बढ़ के लोक संत हुए, उन सब ने अपनी बातें बताई हैं, सबकी टीचिंग्स हैं, सबकी सरमन्स हैं, उपदेश वगैरह हैं, उनके साथ उनका जो साहित्य संकलित किया गया वो संत साहित्य कहलाया। देखिए आपके एग्जाम के अंदर चारण साहित्य पूछा जा चुका है, तो चारण साहित्य के पूछे जाने की दोबारा संभावना बहुत कम है, अब आपके बाकी तीन में से सवाल आ सकता है, तो पहला वाला जो मैंने आपको बताया आपके
जो ये किसका साहित्य था, संस्कृत साहित्य, उस पर सवाल आ सकता है कि संस्कृत वाला जो साहित्य उस पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगला सवाल जैन साहित्य पर आ सकता है, चारण पूछ लिया है, तीसरा हम संत साहित्य पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है दो या पांच नंबर में संत साहित्य पूछ ले, आरपीएससी या दसवीं पूछ सकती है। इन्फॉर्मेशन इतनी लिखनी है आपको, बहुत ज्यादा चीजें नहीं आएंगी उसके अंदर, थोड़े बहुत दो चार नाम आपको किताबों के और याद हो जाएंगे अपनी पढ़ाई के दौरान, तो उसको और लिख दीजिएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें याद करने का मतलब भी नहीं है, ये एग्जाम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर जाने का नहीं होता है। हाँ, आपको मुद्दे कई पता होने चाहिए, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी हो तो चल जाएगा। आरएएस का सिलेबस यू बहुत वाइड है, डेप्थ कम है, सिलेबस वाइड है। यूपीएससी में उल्टा है, डेप्थ बहुत ज्यादा है लेकिन सिलेबस छोटा है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब वापस आते हैं आपके, एक तो संत साहित्य खूबी क्या है कि बड़ा मार्मिक वर्णन है, प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट मतलब होता है कि दिल को छूने वाला। ठीक है, एकदम छू गया दिल को, बात सुनते सीधे यहां लगती है, आप सुनते यहां से हो लेकिन लगती यहां पर है सीधे आके। ठीक है, तो ये आपके मार्मिक साहित्य है, रिटन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक ओपिनियन। तो लोगों की, भाई देखो आपको सिंपल सी बात बताता हूं, ये जो संत लोग हुए, ठीक है, तो ये जो संत होते हैं इन्होंने वो बात कही जो आम लोगों के जीवन को छूती है। अब जो आम लोगों के बाद जीवन को छू गई वो वही मैटर होंगे जो उस आम लोगों के जीवन जी रहे हैं, मतलब जो पब्लिक ओपिनियन है उसके बनाती है ये चीज। गुड इवनिंग मधुसूदन, थैंक यू, गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्या बात है भाई, जीओएटी। चलिए तो हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो पब्लिक ओपिनियन को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। तो ये मार्मिक, मतलब आम जीवन के, आम लोगों के जीवन को, मैंगो पीपल के जीवन को जो छू रही है बात, तो मार्मिक ही होगी भाई। सबके अपने दुख होते हैं, इनफैक्ट हर इंसान को अपने दुख दूसरे से एक ज्यादा लगते हैं और अपनी खुशी एक से कम लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे मत बोलो सर वरना घर वाले। अच्छा, ये बातें लड़कियों पर अप्लाई नहीं होती हैं, मैं फिर बता देता हूँ, शादी वाली बात लड़कियों पे अप्लाई नहीं होती है भाई। आप अपना पहले जीवन बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देने की, ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद इकोनॉमिक एम्पावर होकर जाएं। मैं हमेशा से चाहूंगा कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जो विमेन है, उनका हाथ हमेशा यूं रहे, कभी भी यूं ना हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी हमेशा से यूं देती हुई अच्छी लगती है, इसीलिए लक्ष्मी हमारे देश में माता है, ये ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी हम माता से मांगते हैं, आपने विष्णु जी से लक्ष्मी नहीं मांगी होगी कभी भी, ठीक है ना, तो माता जी देती है और माता का हाथ हमेशा हाथ ऐसे रखता है और वो, और आपका हाथ हमेशा ऐसा रहना चाहिए भाई महिलाओं का। मेरी बहुत ये पर्सनल वो है कि आप लोग प्लीज अपने पहले करियर पे, शादी ब्याह बाद में भाई, हमारे यहाँ प्रॉब्लम उल्टी होती है कि लड़का अगर फेल हो जाता है तो उसको घर वाले धमकी देते थे, वो रिक्शे की दुकान खुला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और लड़कियों को तो सीधे शादी करा देते हैं, टोटल बहुत गलत है भाई। लड़कियां सबसे पहले आपके इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, आपके भविष्य के लिए बेटर रहेगा, आपके आगे के जीवन के लिए बेहतर रहेगा। मैं थोड़ा सा, आपने मेरे को करेक्ट कर दिया भाई, मैंने करेक्ट कर दिया अपनी पॉइंट को। ठीक है, लड़कों पे ज्यादा अप्लाई होती है कि तुम हर चीज रोक लो भाई, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट आई पर्सनली विल कि लड़कियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उनका। ठीक है, तो आपका हाथ यू रहेगा तो ही आपका परिवार खुश रहेगा, सुखी रहेगा, इनफैक्ट खुश तो नहीं सुखी रहेगा। तो महिलाओं के हाथ कभी, और लक्ष्मी हमेशा यूं ही अच्छी लगती रहती हुई, लेती हुई नहीं कभी भी, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको बात छोटी लगे पर डीप है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने अपने अपने सर्मन का मतलब बताया उपदेश और भजन वगैरह के अंदर, आप उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस को बताया, जितने भी आपके गुड इवनिंग विशाल, ठीक है, जितने भी आपके वो होते हैं, ये क्या नाम है, संत वगैरह जो होते हैं, उन्होंने हमेशा से आम जीवन के एक्सपीरियंस को लेकर, अपने खुद के एक्सपीरियंस को लेकर लोगों के बारे में जानकारी, लोगों को जानकारियां दी है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि भाई सही गलत, क्योंकि देखो होता क्या है, संत लोग कौन हुए, संत लोग वो होते हैं जो, जिनको बहुत सारा ज्ञान बहुत सीमित समय में प्राप्त हो गया है। जैसे संत लोग होते हैं जो दार्शनिक सवालों के जवाब देते हैं कि ये जीवन क्या है, आपका जीवन में एम क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है, सत्य क्या है, ईश्वर कौन है, इस तरह के जवाब होते हैं। अब उनका तो डायरेक्टली कनेक्शन बैठ गया, उनके कर्म अच्छे थे, उन्होंने मेहनत की, तपस्या की, उनको कनेक्शन मिल गया, तो वो बात उनके तो समझ में आ गई, लेकिन वो बात आपको कैसे समझाई जाए, बात यह है कि आपको क्या समझ में आएगी उनकी बात क्या कही, क्या गलत है और क्या सही है। तो उन्होंने अपनी उन्होंने उस उन बातों को सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, कि भाई पेड़ मत काटो, पेड़ में भी इंसान होते हैं, पेड़ में भी जीवात्मा होती है, इस तरह से। तो उन्होंने कई सारी बातें इस तरह की बताई हैं। तो उन्होंने आम जीवन को आम लोगों के जो बात समझ में आ जाए, जो बात मैंगो पीपल के समझ में आ जाए, उस भाषा में उन बातों को समझाया, जिसकी वजह से जो संतों का असीमित ज्ञान था उन्होंने सीमित करके लोगों को समझाना शुरू किया। तो इसीलिए उन्होंने एग्जाम्पल्स लिए, इसीलिए वो देवर केपेबल ऑफ बेंडिंग द पब्लिक ओपिनियन। सही गलत, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अंदर बहुत बड़ा हाथ रहा है उस वक्त के लोग संतों का, चाहे वो बाबू जी हो, चाहे वो आपके रामदेव जी हो, चाहे वो गोगा जी हो, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है।
आप जब आगे इतिहास पढ़ेंगे, आप में से कई लोग नए होंगे, लेकिन आप धीरे धीरे जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। फिर प्राइमेसी ऑफ मोरालिटी एंड बिहेवियरिज्म। मोरालिटी मतलब नैतिकता, ये नैतिकता ही सिखा रहे थे लोग संत जो थे, वो नैतिकता ही सिखाना चाह रहे थे आप लोगों को कि नैतिक जीवन कैसे किया जाए, जिया जाए, लोगों की मदद करना, अपने घर में कोई क्लेश नहीं करना। ठीक है, तो ये सब काम आपके नैतिकता से ही है। ठीक है, आपके ईश्वर की साधना के साथ साथ नारी की पूजा करना, क्योंकि नारियों की उस टाइम पर स्थिति बड़ी दयनीय सी हो गई थी, डिमीनिंग हो गई थी, दयनीय तो नहीं कहूंगा, डिमीनिंग, दयनीय तो बहुत पहले से भी थी, लेकिन डिमीनिंग हो गई थी नारियों की जो पोजीशन थी पहले बहुत ज्यादा, इसी वजह से इनको इस तरह के उपदेश वगैरह आकर देने पड़े, बताना पड़ा। तो इसको ध्यान रखिएगा। बिहेवियरिज्म प्रैक्टिकल जो बिहेवियर है आपको उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए इन्होंने ये किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर फेमस सेंट कौन कौन से, कुछ के नाम वैसे बहुत सारे हैं, हम लोग इतिहास में जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे सेंट्स पढ़ते हैं कल्चर में, लेकिन किताब में जितना दे रखे मैं अभी उतने डिस्कस कर रहा हूं। मल्लीनाथ जी, जंबो जी, जसनाथ जी, इन सब ने आपके अपने अपने संप्रदाय भी शुरू किए थे। इंपॉर्टेंट किताबें कौन कौन सी है, एक संत हुए दादू जी, उनकी किताब का नाम है दादू जी की वाणी। देखो बड़े बड़े संत थे, इन्होंने जो ज्यादातर आपको किताबों के नाम इनके वाणी के तौर पर मिलेंगे, तो दादू जी ने जो बात बोली उनके सुनन ने नोट कर ली, इसलिए दादू वाणी हो गई। तो दादू जी की किताब का नाम दादू वाणी या वाणी, सिर्फ ये मिलेगा। मीराबाई, मीराबाई आपके भजन गाया करती थी कृष्ण के रिलेटेड, मीराबाई कृष्ण की भक्ति माधुर्य भाव से करती थी। ठीक है, ये सर तभी 12th के बाद आ गए आरएस बनने, बहुत अच्छी बात है, आप स्टार्टेड अर्ली बहुत, बट थोड़ा सा देखो आप 12th के बाद वाले, मुझे थोड़ा सा ऐसे इससे लगता है कि अपना बचपन कब जियोगे यार, 12वीं के बाद आप आ तो गए हो। ठीक है, आपकी उम्र 17-18 साल के आसपास है, 21 साल पहले आप एग्जाम दे नहीं पाओगे, 3 साल तक आप पढ़ते पढ़ते अपने उस टेम्पो को, अपने उस क्या कहते हैं जो आपका फोकस है उसको बना पाओगे वहां तक, आप सोचना इस बात के बारे में, मैं नहीं कह रहा, आप सोचिएगा इस बात के बारे में। तो थोड़ा सा अपना बचपन भी जीना, सिर्फ किताबों से आगे जहां और भी है, मैं शुरू से बोलता हूँ, ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि 12वीं के बाद ही पढ़ने लग जाओ। ठीक है, 21 साल से पहले आप दे नहीं सकते हो, तो थोड़ा सा उस चीज को भी क्राइटेरिया को लेकर चलो, गो स्लो। ठीक है, गो स्लो, तो धीरे धीरे करके आप उसको गेन करो, जो काम जब करने के हैं, हर काम का एक एज होती है, उसको उसी काम टाइम पर करते हो, अच्छे लगते हो आप। तो अभी ये काम आपका ध्यान लेने के साथ साथ थोड़ा अपने आप को दुनियादारी समझने का भी है, सिर्फ आपके किताबी ज्ञान नहीं, व्यावहारिक ज्ञान भी लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आप उस काम पर भी ध्यान दीजिए। सर बचपन 40 के बाद में, नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, 40 के बाद में बचपन कहाँ होता है, किसने कहा आपको, ये सब धोखा है, इट्स अ स्कैम, आई एम टेलिंग यू इट इज अ स्कैम, ये सब स्कैम है, और कोई लेना देना ये बात मत करिएगा बचपन 40 के बाद। बचपन का टाइम आपका, आपके जो भी आपको, आपको जब जिस भी एज में जो चीज अच्छी लगती है वो करते रहिए। ठीक है, तो ये सर पीछे रह जाएंगे, ना ना कोई पीछे नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब वो ये कोई रेस थोड़ी है लाइफ में जो आगे पीछे हो जाएंगे, आपको अपनी लाइफ खुद के लिए बेहतर लगनी चाहिए, किसी और के पैमाने पर अपनी लाइफ को मत नापिएगा। ठीक है, किसी और से कंपेयर करके अपनी लाइफ को मत नापिए, आपकी लाइफ में अगर आप सेटिस्फाइड हो, आप सफिशियंट हो, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं लगती है, तो वो सब लाइफ अच्छी है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई रेस नहीं चल रही है लाइफ के अंदर, प्लीज नोट दैट। ठीक है ना, ऐसे डिप्रेसिंग बातें मत करो तुम लोग यार, अबे तुम यंग लोग हो, ऐसे कैसे सोच रहे हो कि पीछे रह जाएंगे, कोई पीछे नहीं रहते यार, अपना अपना सबका, आप वो उस काम को ढंग से देखकर चलिए। सर बीएड वाला कोर्स है 4 साल वाला, तो इसलिए फर्स्ट ईयर में कोर्स ले लिया, वो कोई, वो आपका टेक है, पर मेरा हमेशा से बोलता हूँ कि थोड़ा सा अपने बचपन को भी साथ साथ जियो यार। अब स्कूल टाइम के अंदर मतलब कैसे आप इतना प्रेशर ले रहे हो, कॉलेज भी कर रहे हो, फिर आपने पढ़ाई भी शुरू कर दी है, सारे काम करो, लेकिन रोज अपने लिए कोई 2-3 घंटे खुद के टाइम के लिए भी निकालो, खेलना कूदना घूमना फिरना, दोस्तों से यार बैठना करना, किताबों में पूरे टाइम मत रह जाना भाई, ध्यान रखना बहुत जरूरी है ये सब चीजें, ये आपको दोस्त समाज ये सब आपको प्रैक्टिकल जीवन सिखाएगा, जिसको हम बोलते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट होना, वो स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत चीज जरूरी है आपके लिए आज के टाइम पर। ठीक है, मूर्ख भोंदू वो समय गया, स्ट्रीट स्मार्ट रहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को बेवकूफ बनाइए, आप बेवकूफ खुद ना बन जाए, इतना काम जरूर करिए, और वो आपको दुनियादारी रहकर सिखाई, किताबें नहीं सिखाती हैं वो। ठीक है ना, यू कैन नॉट लर्न हाउ टू स्विम बाय रीडिंग अ बुक, किताब पढ़कर आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हो, आपको पानी में उतरना पड़ेगा, तो आपको समाज में लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, थोड़ा किताबों से बाहर निकलकर वहां भी जाइए, वहां भी रहिए। चलिए, तो दादू जी की किताब आनी, मीरा की बता, अच्छा मीरा, मीरा भाई जो है वो भजन गाय लिखती थी खूब अच्छे अच्छे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई सबसे फेमस भजन, उनको कहते पदावलियां, तो मीरा भाई की कलेक्शन को, राइटिंग्स को पदावलियां कहा गया। नरसी जीरो मायरो, ये आपके कृष्ण भगवान से जीवन से रिलेटेड कथा है, हम कभी आगे पढ़ेंगे, अभी कथा बताऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा काम। और रामचरण जी की भी वाणी, देखो रामचरण जी भी आपके, आपको अगर नीचे नहीं दिखा, आई एम श्योर, एक सेकंड मैं ऊपर कर देता हूं उसको, देखो रामचरण जी की किताब थी, उसको हम रामचरण जी की वाणी बोलते हैं भाई, ध्यान रखिएगा रामचरण जी की वाणी, उन्होंने कहा इसलिए रामचरण जी की वाणी। चलिए,
इसके बाद आपके आते हैं लोक साहित्य। अब लोक साहित्य क्या होता है, जो आपके आम जन के बीच का रहा, डॉट और था, आपने पॉलिटिक्स की तैयारी के टाइम लक्ष्मीकांत ली थी क्या, नोट्स पर रिलाय किया था। मैंने तो यार देखो ओरिजिनल भी पढ़ी थी, बेरैक्ट भी पढ़ा था, मैं ज्यादा बेरैक्ट को पढ़ता था क्योंकि लक्ष्मीकांत भी ली थी, कोई वो डाउट नहीं है। लक्ष्मीकांत और बेरैक्ट ये दो चीज काफी होती है, और उनसे आप नोट्स बनाइए अपने, क्योंकि आप एंड टाइम पर लक्ष्मीकांत तो पूरी पढ़ नहीं सकते हैं। प्री के एग्जाम में दो दिन पहले अगर आपको चीजें रिवाइज करनी है तो लक्ष्मीकांत रिवाइज नहीं हो सकती है, नोट्स रिवाइज हो सकते हैं, तो उसके नोट्स बनाइए। रेफरेंस बुक के तौर पर आप लक्ष्मीकांत और वो आपके क्या कहते हैं इसे बेरैक्ट, वो दो रखिएगा। लेकिन सबसे पहले बेरैक्ट मत पढ़ना, आपका पढ़ाई पे से विश्वास ही उठ जाएगा, नींद आएगी भी उसको पढ़ के। तो पहले लक्ष्मीकांत पढ़िए, उसमें थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझा रखा है बेसिक्स, ठीक है, और फिर आप साथ में लक्ष्मीकांत पढ़िए, सॉरी बेरैक्ट पढ़िए। एटलीस्ट आप एक आध बार लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ चुके हो, दो बार लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हो, तब तीसरी बार में बेरैक्ट उठाइएगा और कंपेयर करके पढ़िएगा, फिर नोट्स बनाइएगा। लेकिन नोट्स बनाने के क्रम में दूसरी लक्ष्मीकांत मत लिख देना खुद ही, नोट्स होते हैं आपके, लक्ष्मीकांत अगर 300 पेज की किताब है तो आपके नोट्स 30 पेज की होने चाहिए लक्ष्मीकांत के पूरे, वो होते हैं नोट्स। आप 300 पेज के 250 पेज खुद के नोट्स बना लोगे तो नोट्स नहीं है, वो दूसरे लक्ष्मीकांत है, तो काम का नहीं है उसको पढ़ना, ये ध्यान रखिएगा। तो उस सीक्वेंस में पढ़ा करिए, ठीक है, तीन चार बार पहले पढ़ लो, तीन चार बार लक्ष्मीकांत पढ़ लो, एक दो बार बेरैक्ट पढ़ लो, उसके बाद नोट्स बनाना। पहली बार में पढ़कर लक्ष्मीकांत के नोट्स मत बना लेना, वरना खुद दूसरी लक्ष्मीकांत लिख दोगे आप, ठीक है भाई, ध्यान रखना उस चीज को। चलिए फिर आता है लोक साहित्य, संत आपके फोक लिटरेचर, ये वो साहित्य है जो आम जीवन के लोगों से जुड़ी कहानियों से लिया गया, जैसे आपने आपने घर दादी नानी की कहानियां, वो लोक साहित्य का पार्ट है, ठीक है, आपने लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा वाला सुना, वो लोक साहित्य का पार्ट है, ठीक है, तो वो सब आपके भजन कीर्तन ये सब लोक साहित्य है, आम लोगों की भाषा और आम लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है उसके अंदर, आम भाषा में बताया गया उसके अंदर, ठीक है। तो आपके फोक सॉन्ग्स हैं, लव स्टोरीज हैं, फोक ड्रामास हैं, राजस्थान खूब लव स्टोरी है, महेंद्र मुमल की लव स्टोरी है, दशमा उडन की लव स्टोरी है, ठीक है, आपके ढोला मारू की लव स्टोरी है, बहुत सारी लव स्टोरीज है राजस्थान में, तो वो लोक साहित्य का पार्ट है। इसके अलावा फोक ड्रामास हैं कई सारे, वो लोक साहित्य का पार्ट है। फट चित्रण, प्रोवर्ब, कहावतें, ये सब आपके लोक साहित्य का पार्ट है। तो ये सब फॉर्म्स ऑफ आपके, इनके थ्रू आपको लोक साहित्य देखने को मिलता है। हमारी बुक के अंदर फड़ वाचन को बहुत डिटेल में बताया गया है, तो अभी अभी हम फड़ वाचन पर ही फोकस करेंगे, आगे धीरे धीरे जो जो फॉर्म्स बताई गई हैं किताब में हम उस फॉर्म्स के हिसाब से आगे और डिस्कस कर लेंगे। देखिए फड़ वाचन ये बोलता है, फड़ लिटरेचर आपके फोक ड्रामा है, एक बहुत सबसे फेमस फॉर्म है फोक ड्रामा का। फड़ एक कपड़े पर लिखी जाती है, इस तरह का एक दो डंडे होते हैं यहां पर और उसके अंदर एक कपड़ा लगा हुआ होता है, एक तरह का कपड़ा होता है, इसके अंदर यहां पर चित्र बने होते हैं, ये कहानी यूं चलती है पूरी, या तो यूं चलेगी कहानी ऊपर नीचे के हिसाब से, या कहानी यूं चलेगी ऐसे सर्पेंटाइल पोजीशन के अंदर। तो ये कहानी एक एक चित्र से दूसरे एक चित्र पे आपके वो लकड़ी रखते हैं, बताते हैं इस चित्र का मतलब क्या है, फिर अगली पे फिर वो कनेक्ट करते हुए एपिसोड बताते हैं, उसको हम फड़ चित्र में फड़ वाचन बोलते हैं। ये कपड़े पे लिखी जाती है और इसके अंदर आपके अलग अलग जो जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उनके जीवन के हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल ऐतिहासिक या जो आपके जो तत्कालीन जो हिस्ट्री जैसे रामायण है, महाभारत है, आपके लोग देवी देवता है, उनके जीवन की जो कहानी है वो फड़ के थ्रू बताई जाती है। फेमस फड़ सब राजस्थान की सबसे फेमस फड़ जो है वो आपके बाबू जी की फड़ है, एक रामदेव जी की फड़ है, एक देव नारायण जी की फड़ है। तीन फड़ राजस्थान में बड़ी फेमस है, बाबू जी की, रामदेव जी की और देव नारायण जी की। ज्यादातर जो आपके इस पे परफॉर्मेंस देते हैं वो पढ़ाने वाले जो होते हैं या जो जताने जो फड़ वाचन जो करते हैं उनको हम बोलते हैं भोपे। किताब में चारण भी दिया हुआ है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग सा हो जाता है पर किताब में दिया इसलिए मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज भोपे जो होते हैं जो फड़ वाचन करते हैं ना उनको हम भोपे बोलते हैं, वो करते हैं इस काम को। फेमस सेंटर फड़ बनाने के हैं शाहपुरा भीलवाड़ा, फेमस सेंटर किस चीज का, फड़ वाचन का नहीं, फड़ बनाने का, सॉरी फड़ बनाने के वाचन नहीं फड़ बनाने का, वो आपके शाहपुरा है और वहां पर जो बनाने वाले व्यक्ति थे उनको पद्मश्री मिला था, उनका नाम था श्रीलाल जोशी, इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ सकते हैं आप, एक नया सवाल बनता है इससे। हम जब धीरे धीरे राजस्थान के आर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे तो कई सारे फॉर्म्स के कई दिग्गजों को जाने, जैसे आपके वो है उस्ता कला, उसके हिसामुद्दीन नागौरी साहब हो गए, ठीक है, ऐसे गायन के अंदर ध्रुपद गायन के अंदर अभी एक आपके भांड जो है, लक्ष्मी जानकीलाल भांड और तमाशा के बड़े फेमस आपके एक्टर हैं, तो इस तरह के दिग्गज लोगों के नाम आपसे मैच कराने के लिए पूछ सकते हैं। शिलाल जोशी का नाम टॉप पे मिलेगा आपको, फड़ चित्रण के अंदर सबसे बड़ा नाम है फड़ चित्रण का, ठीक है, तो आपके शिलाल जोशी भीलवाड़ा की लेने वाले हैं, जोशी परिवार वही फड़ चित्रण में सिद्ध हस्त है, एकदम प्रोफिशियंट है, तो उनको ध्यान रखिएगा। तो ये फड़ वाचन के बारे में है। चलिए तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मैंने कोशिश की थी कि एक घंटे से कम में रखूंगा बट मेरी कोशिश हर बार नाकाम हो जाती है क्योंकि मैं कम बातों में अपनी बातें कम चीजों में अपनी बातें कह नहीं पाता, इस चक्कर में थोड़ा सा फिर वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ी जाती है। कोशिश करूंगा कि अपनी बातों को जल्दी समेट पाऊं। लक्ष्मीकांत जरूरी है क्या? देखिए जरूरी नहीं है, आसान है, ठीक है ना, आप शुरू से एक बार सीधे बेरैक्ट पढ़ेंगे
तो उनको पढ़ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ भाई, सबसे लंबी फड़ जो है फड़ वाचन, वो देव नारायण जी की फड़ है, और राजस्थान की सबसे पुरानी फड़ भी जो है वो देव नारायण जी की फड़ी बाची जाती है। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो मैं आपको लक्ष्मीकांत का जो बता रहा था, तो लक्ष्मीकांत में क्या होता है, कई बार जरूरी तो कोई चीज नहीं होती है, पर आसान होता है समझना। आप पहले ही बेरा पढ़ोगे तो आपको समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। लक्ष्मीकांत में क्या है, साथ साथ कई सारे आपके वो लिए हुए हैं, क्या कहते हैं, पैरेलली आपको कौन चीजें बताई गई हैं, तो आप कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। क्योंकि बेराट के अंदर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने ये तो नहीं सोचा था ना कि आप इसको पढ़ के एग्जाम देने जाओगे। लक्ष्मीकांत ने सोचा, तो लक्ष्मीकांत ने कई सारे टॉपिक्स को रिलेट कर बना दिया गया, तो आपके लिए शुरुआती तौर पर पढ़ना आसान हो जाएगा उसको। इसलिए लक्ष्मीकांत पढ़ने की बोल रहा हूँ। ये क्लासेस रेगुलर रहेगी। देखिए, इस वीक तो अल्टरनेट डेज रहेगी, अगली बार से रेगुलर रहेगी। इस वीक तो हम आज है, परसों होगी, एक दो काम है बीच में, 14 को काम है, फिर 16 को सम्यक का फाउंडेशन डे है, तो इस तरह से थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अल्टरनेट डेज क्लास रहेगी, नेक्स्ट वीक से रेगुलर रहेगी। और मैं वैसे भी मेरे ग्रुप से जो लोग जुड़े हुए हैं और सम्यक के जो टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सबको ये किताब क्लास के बारे में नोटिफिकेशन पहले मिल जाया करेगा। चलिए, सो इनफ फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल ऑन डे आफ्टर एट 8 o'clock in the evening। टिल देन, ऑल यू गाइस टेक केयर, सायोनारा, जय हिंद।